खाना खाए चाहे सर, हम लोग के खाना पड़ता है। हम लोग के तो लॉकडाउन इतना केस है कि हम लोग हॉस्टल में काम करे वाला है तो हॉस्टल सारा बंद करवा दिया है। इससे अब गरीब आदमी आके सुतल है, क्यों नहीं करेगा? आज भूखल है, कुछ नहीं आया। आटा था 8 बजे 9 बजे खाना, मरुटी वाला बाटा था 3 बजे से आए बने। घर ने दुआरे पर 12 बजे सो रहा है बिस्तर पर। अगले कोरोना से हम यहाँ रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ से नेताजी लोग इस बगल में रहते हैं, कोई आया पूछते, कोई एक टाइम का खाना दिया? कोई नहीं, कोई नहीं। आदाब, मिल्ला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान आज संपन्न हो गया है, लेकिन आज मैं इस वक्त अभी होटल मौर्या के बाहर हूं। यहां पर अभी ना ही मैं किसी राजनेता का इंटरव्यू करने जा रहा हूं और ना ही पब्लिक ओपिनियन करने जा रहा हूं, बल्कि कहानी बताने जा रहा हूं उन गरीबों का, उन मज़दूरों का और उन बेसहारों का जो खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और दो वक्त की रोटी को मोहताज हैं। अब मेरे कैमरे में देखिए, ये होटल मौर्या की बाउंड्री है। इसके ठीक उस पार भारत के ऊंची कोटि के राजनेता हैं जो एसी कमरों में बैठकर आराम कर रहे हैं और बिहार की राजनीति को, वो सभी पार्टी के नेता हैं और वो बिहार के राजनीति को दिशा और दशा देने के लिए तैयार हैं। वो बिहार पर राजनीति कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाउंड्री इस पार देखिए, ये लोग सोए हुए हैं। जब मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ और बहुत सारे लोग बात करने से इनकार कर रहे हैं। असल मुद्दा ये है, यहाँ पर इन लोगों के पास रोटी पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, इनके पास खाने के लिए है या नहीं है, इनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी सुविधा जो इंसान की मूल सुविधाएं होती हैं वो ये है या नहीं है। यहाँ पर लोग देखिए कैसे ये बिछाए हुए हैं, एक प्लास्टिक है उसके ऊपर एक चादर है और यहाँ पर बिछाए हुए हैं और सो रहे हैं, खाने को मोहताज हैं। भले ही चुनाव में चर्चे होते हैं, लोगों को नौकरी की बात की जा रही है, महंगाई को ख़त्म करने की बात कही जा रही है, लेकिन उसके ठीक विपरीत हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और बार बार दिखा रहे हैं। और ख़ास तौर से यहाँ पर नेताओं, वो आउटसाइड है होटल मौर्या का, वो आउटसाइड है, वहाँ से नेताओं की गाड़ी आउट होती है और नेता की गाड़ी यहाँ से गुजरती रहती है, जाते रहते हैं। वही नेता जब स्टेज पर पहुँचते हैं तो लंबी लंबी भाषण करते हैं, गरीबों को, गरीबी को ख़त्म करने के वादे करते हैं, लेकिन ठीक उनके बगल में ये मज़दूर बैठे रहते हैं और इनका कोई पुरछाने हाल नहीं है। आइए हम इनसे बात करते हैं। खाने वाला कोई नहीं दे रहा, सब भूखले से ताप फान रहे हैं, घर न द्वार। कैमरा को और नज़दीक कर लीजिए, आइए। खाने पीने के लिए कोई नहीं दे रहा, घर न द्वार है, प्लेटफार्म पर सो रहे हैं बिस्तर पर। अगले कोरोना से हम यहाँ रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ से नेताजी लोग इस बगल में रहते हैं, कोई आया पूछते, कोई एक टाइम का खाना दिया? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दिलीप राम। दिलीप राम, घर द्वार भी ना है, अब कोई मंदिर में जाते हैं तो मांगते हैं तो खाते हैं, नहीं तो कोई नहीं रहता। क्या यहाँ क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं, क्या करते हैं? मांगते खाते हैं, मांगते हैं खाते हैं। यहाँ पर आइए, ये थे दिलीप राम जी, इनका कहना है कि हम मांगते हैं और खाते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अनिल गोस्वामी। यहीं पर सोते हैं? हाँ। कोई आया नेता खाने पीने के लिए कुछ कहा? इलेक्शन का टाइम है, आज भूखल है, कुछ नहीं आया। आटा था 8 बजे 9 बजे खाना, मरुटी वाला बाटा था 20 बजे से आए, वो नहीं किया। ये नेताजी लोग हैं जो चुनाव में जाते हैं, वादा करते हैं, भाषण करते हैं, ये नेताजी लोग आपको कुछ दिए? कहाँ कुछ दिए, नेताजी लोग नहीं दिए। बगल में बड़े बड़े नेता रह रहे हैं, मालूम है ना? हाँ भाई, रहे का कह लो। आइए यहाँ पर, क्या नाम है भाई? जनेश कुमार महतो। यहाँ पर आप सिर्फ एक दरी बिछा करके हैं, एक प्लास्टिक है, एक गमछा है, देख लीजिए, यहाँ पर एक गमछा है, एक प्लास्टिक है खाने वाने का। यहाँ कोई
ऊपर वाले से कोई खाना कोई दिंदा नहीं आता नहीं देने के लिए, या भूखा मर जाए या कुछ भी हो। और हम लोग ऐसा है जो मांग के खाने का भी स्टेशन बजाते हैं तो सब आदमी कहता तुम लोग हट्टा कर दो कमा के खाओ, बस काम धंधा मिलता कहाँ जब हम लोग काम धंधा करें। आज जब से इलेक्ट्रॉन हुआ तब से हम लोग बैठे हुए हैं। अब रात को 11-12 बजे कोई डानी आता तो आता नहीं तो वो भी नहीं आता है, भूखा प्यासा बैठा रहता है बताएं। और हमारे जो गांव का मुखिया जो है उनको तो कोई चिंते नहीं है। बगल में नेताजी लोग रहते हैं, नेताजी लोग आए कभी? आए हैं कभी, आते हैं कभी, देखने कहाँ या कोई आते हैं? कोई नहीं आते, कोई नहीं आते, निकल जाते हैं, सब निकल जाते हैं, देखने नहीं आते नहीं। इधर आइए और लोगों को हम दिखाते हैं, यहाँ पर एक बड़ी भीड़ है। देखिए ये कैसे सोए हुए हैं, खाना खाए? नहीं सर, हम लोग के खाना देता है। हम लोग के तो लॉकडाउन इतना केस है कि हम लोग हॉस्टल में काम करे वाला है तो हॉस्टल सारा बंद करवा दिया है, इससे अब गरीब आदमी आके सुतल है क्यों नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर ये इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर है। यहाँ पर और लोग हैं, आप लोग खाना वाना खाए? खाने पीने हजूर नहीं मिला है, खाना पीना नहीं जी नहीं। अभी क्या करते हैं हम लोग? तो सर मिठाई उठाई के कारीगर थे, लॉकडाउन हुआ जब से मिठाई का काम बंद नहीं हो गया। हम लोग बगल में नेताजी लोग रहते हैं। अच्छा, कोई नेताजी आते हैं पूछने? जी नहीं था, कोई नहीं था, कोई ना बाबू कहाँ। खाना वाना मिला सर? खाने के लिए तो यहाँ हम लोग 5 बजे से बैठे हुए हैं, 7:30 बजे खाना आता, अभी तक खाना नहीं आया, बैठे हुए क्या बाबे आ बाबे आ बाबे उसी के इंतजार में। कोई नेताजी लोग आए? कोई नहीं सर, कोई नहीं, कोई नहीं आते हैं, कोई नहीं। इलेक्शन का टाइम है, बिहार में चुनाव हो रहा है जी, कोई नहीं है? कोई नहीं सर, कोई भी नहीं आते हैं। अगर मिल जाते तो खाना अपना खा कर अपना जगह पर पहुंच जाते। रात में ठंडी वगैरह नहीं लगती है? देखिए सर अभी तो ठंडी लगी तो फकनिया चादर लाया, गांव से जाड़ा बुखार बहुत काफ़ी है, हम मरूँ कि तब मरूँ, लेकिन यहाँ कोई मेडिकल पर 2 रुपये दावा भी नहीं दे सकता है। मैं एक मेडिकल के पास गया, बाबूजी देखिए अपने पास थोड़ा बुखार है, दो साहब को गोली दे दीजिए, बोलता जहाँ से आए वहाँ चले जाओ। अब क्या बोलूँ मैं, वहाँ से चुप होकर चला आया। ये देख लीजिए, सोचने और समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर बहुत सारे लोग सोए हुए हैं और बहुत सारे लोग सो गए हैं, तो हम अब मुनासिब नहीं समझते हैं कि इन लोगों को जगाया जाए। लेकिन साथ ही साथ आपसे ये ज़रूर अपील होगी कि आप जहाँ कहीं भी रहें, अगर आप रेस्टोरेंट में या बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, खाते हैं, खाना ज़ाया करते हैं, उस वक्त इनका ज़रूर ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। कौन जीत रहा है बिहार, किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स, सबसे पहले।